दोस्तों, क्या आपके क्रोम ब्राउज़र में वाई टी स्टूडियो डेस्कटॉप बीटा वर्जन में ओपन नहीं हो पा रहा है? क्या आप क्रोम ब्राउज़र में वाई टी स्टूडियो लिख कर आप सर्च कर रहे हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस आ रहा है? अगर यहाँ भी वाई टी स्टूडियो में अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपका वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आपके चैनल में तो आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कैसे अपना वाई टी स्टूडियो को आप डेस्कटॉप बीटा वर्जन में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सर्च बॉक्स में लिखेंगे वो YouTube Studio.in, ठीक है, YouTube Studio.in लिखे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको एक साइनिंग का ऑप्शन दिख रहा है, साइनिंग का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ से वाई टी स्टूडियो आपका क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपको ओपन होगा दोस्तों, ठीक है, 2-4 सेकंड का आपका समय ले सकता है, ठीक है। यहाँ इस तरह से ओपन हो चुका है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप बीटा वर्जन में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों, आप ऊपर में देख सकते हैं 3 बिंदु आपको दिख रहा है, 3 बिंदु में आपको क्लिक करना है। जब 3 बिंदु में क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको एक चीज आपको देखने को मिलेगा, डेस्कटॉप साइड, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर खाली घेर है, इसमें हमको क्लिक कर देना है, ठीक है, इसमें टिकअप कर दीजिएगा। इस तरह से टिकअप करने के बाद दोस्तों, क्या होगा, आपका डेस्कटॉप साइड में आपका यहाँ से आपका यूट्यूब चैनल लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देख सकते हो दोस्तों, डेस्कटॉप साइड में ओपन हो चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से इसको हमको 3 डॉट में फिर से हमको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, A to Home Screen, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जब आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस तरह से आपका इंटरफेस आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंसिल और एड आपका ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको एड कर देना है, ठीक है। चलिए इसको एड कर देते हैं। एड कर दिया दोस्तों, फिर से आपका इस तरह से आएगा इंटरफेस, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, फिर से यहाँ को एड कर देना है। जब आप इस तरह से एड कर दीजिएगा दोस्तों, तो अब क्या होगा, जो आपका सेटिंग था, सेटिंग आपको पूरा हो चुका है। अब क्या होगा दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउज़र में डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप बीटा वर्जन में आपको वाई टी स्टूडियो ओपन होगा। तो कैसे होगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरह से बैक आ जाता हूँ दोस्तों। बैक आने में देख सकते हैं, मैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ साइड में इस तरह से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चैनल डैशबोर्ड लिखा है। इसमें आपको 2 लोगो दिखने को मिल रहा, एक आपका यूट्यूब का लोगो दिख रहा होगा, एक आपका क्रोम ब्राउज़र का लोगो दिख रहा होगा। यानी कि दोस्तों, आप क्रोम ब्राउज़र और यूट्यूब आपको दोनों एक साथ जुड़ चुका है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक, इसको क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप बीटा वर्जन में आपका वाई टी स्टूडियो ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों सिंपल तरीका कि कैसे अपना वाई टी स्टूडियो को आप डेस्कटॉप बीटा वर्जन में डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, बस आपको एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए और इसी तरह और वीडियो आप यूट्यूब से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में रोज ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।